हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाई है कुछ मजेदार चटपटी मसालेदार सब्जी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये है पनीर और आलू की सब्जी। ये एक बार आप बनाएंगे बार बार खाने का मन करेगा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें ये टमाटर, 3 से 4 टमाटर ले लें, छोटे बड़े अपने हिसाब से देख लें। और ये 2 बड़े प्याज हैं कटे हुए, छोटे हों तो 3 ले लीजिए। लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हैं, ये हम टमाटर के साथ पीस लेंगे। आप टमाटर में लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी पीस सकते हैं, मैंने उनको खड़ा डाला है। ये 2 आलू हैं और ये 2 आलू मैंने पनीर के साइज के कट कर लिए हैं। लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, आज मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाऊंगी। और इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है 3 से 4 चम्मच। इसमें जीरा डाल लिया है और जीरा चटकाने के बाद लाल मिर्ची डाल ली सूखी वाली। ये कुछ खड़े मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता। अब ये भी चटक गए हैं, इसमें हम प्याज डाल लेंगे। और देखिए प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। और इसमें आप खड़े मसाले अगर बच्चों के मुंह में आए तो आप जो मैंने बताया आपको टमाटर के साथ भी पीस सकते हैं। कलर चेंज हो गया है अब हमारी प्याज का, तो इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दी है और ये धनिया है, इनको हम भून लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार डालें नमक। और ये डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, खड़े मसाले हमने डाले हैं उसके हिसाब से डालें। लाल मिर्ची भी थोड़ी सी डाली है क्योंकि हरी मिर्ची मैंने पीस दी थी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट। सो गाइस, टमाटर का पेस्ट डालते ही छींटे आते हैं, तो गैस अपनी थोड़ी धीमे रखें, नहीं तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उछलते हैं। और ये देखिए कलर चेंज होने लगा है, तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे, करीबन 3 से 5 मिनट के लिए। आलू देखिए पनीर के साइज़ के हमने कट किए हुए हैं। पनीर हमारा ये रहा, 350 ग्राम से ऊपर है पनीर, और उसके लिए मैंने ये सारे मसाले बताए हैं। इधर हम मसाला देख लेते हैं, कलर देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये भुनने लगा है, तो इसको 2 मिनट के लिए और रख देंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसका सारा पानी सूख गया है, जो भी टमाटर थे, और ये देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को भी हम अच्छे से इसमें भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, ये देखिए। और ये इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, करीबन 5 मिनट के लिए। हल्का सा आलू देखिए सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी भुन गया उसके साथ साथ, ऑयल देखिए किनारे से आने लगा है काफ़ी, तो इसका मतलब ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आलू डूबने तक पानी रख दीजिए इसमें पानी, क्योंकि अभी जलेगा आलू, जब इसको पकेंगे तो आलू सूखेगा पानी, तो इतना पानी काफ़ी है। और ये देखिए इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, करीबन 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं, पानी अच्छे से देखिए उबाल आ रहा है काफ़ी अच्छा। आलू भी देखिए काफ़ी अच्छे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने इनको बीच में चेक कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। ये आलू अभी हमारे थोड़े से रह गए हैं, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं, कसूरी मेथी से सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। सो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 5 मिनट तक के लिए मैंने फिर से ढक दिया। इसको कलर देखिए आप पहले और अभी के कलर में काफ़ी फ़र्क देख रहे होंगे, कलर चेंज होता जाएगा। और ये देखिए हमारे आलू भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने इनको चेक कर लिया है आलू को। 2 मिनट की कसर और रह गई थी तो मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए और रख दिया था। और ये देखिए मसाले और आलू ये दोनों ही आपस में एकदम अच्छे से बन गए हैं, लिपटमा बन गए हैं एकदम, जो बताते हैं मसाला और आलू। ये देखिए आप इस तरह से भी आप इसको पूड़ी और रोटी से खा सकते हैं। अब हमने इसमें मिला दिया है पनीर। पनीर हम लास्ट में इसलिए डालें क्योंकि आलू को गलने में टाइम लगता है, तो पहले हम आलू को अच्छे से गला लेंगे फिर हम पनीर डालेंगे। पहले डालने पर पनीर एकदम फिर वैसा हो जाएगा, एकदम टूट जाएगा, सारे में बिखर जाएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमने पनीर को भी थोड़ा भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी एकदम अच्छे से डाल दें डूबते हुए, क्योंकि पनीर भी थोड़ा पानी सोखता है, और फिर नहीं तो ये सूखी सूखी सी सब्जी बनेगी, थोड़ी सी तो ग्रेवी होनी चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा सूख जाएगी, अभी काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए इसको आप चावल, रोटी, पूड़ी, पराठा किसी से भी आप खाएँगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये हमारी सब्जी एकदम रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब हम इसमें डाल लेते हैं धनिया। धनिया पत्ता डाल लें थोड़ा सा, गैस अभी हमारी चालू है और इसी में ही देखिए धनिया को भी हम थोड़ा सा मिला लेंगे, तो कच्चापन नहीं लगेगा धनिया का। अब हमने सर्विंग बैग में निकाल लिया है सब्जी को, और ये देखिए सब्जी
देखते ही लग रही होगी आपको कि कितनी टेम्पटिंग और टेस्टी सब्जी बनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आलू की कुछ यूनिक सब्जी बनी है, क्योंकि पनीर के साथ हमेशा हम मटर या मखाने या फिर ड्राई फ्रूट वगैरह ही डालते हैं। आज हमने मिलाया है इसमें आलू और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये। सो गाइज, बच्चे और बड़े सभी को खिलाइएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं ऐसी ही चटपटी मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।